न्यूज नशा, आदत हर खबर की। हरियाणा में दो लोकसभा सीटों पर चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी बताई जा रही है और शिकायत पर जांच के आदेश दिए गए हैं। चुनाव आयोग के आदेश पर करनाल और फरीदाबाद लोकसभा सीटों पर ईवीएम की जांच कराई जाएगी। करनाल लोकसभा सीट पर पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के सामने कांग्रेस दिव्यांशु बुद्धि राजा और फरीदाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी से केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णा पाल गुर्जर और कांग्रेस से महेंद्र प्रताप ने चुनाव लड़ा था। दोनों कांग्रेस प्रत्याशियों ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर ईवीएम की जांच की मांग की थी। करनाल से दिव्यांशु बुद्धि राजा और फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप ने चुनाव के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका भी जताई थी। चुनाव आयोग के मुताबिक कांग्रेस प्रत्याशियों की मांग पर ईवीएम चेक करवाई जाएगी। करनाल लोकसभा सीट पर 4 ईवीएम की चेकिंग होगी तो वहीं फरीदाबाद लोकसभा सीट पर 2 ईवीएम की चेकिंग करवाई जाएगी। ऐसा पहली बार हो रहा है कि चुनाव आयोग में ईवीएम चेक कराने के लिए गाइडलाइंस जारी की है। निर्वाचन आयोग को 4 जून को लोकसभा चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में लगी माइक्रो कंट्रोलर चिप में छेड़खानी या हेराफेरी संबंधित सत्यापन के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सहित अन्य दलों के उम्मीदवार से 8 आवेदन मिले हैं। ईवीएम में छेड़छाड़ के संदेह को निराधार करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 26 अप्रैल को मतपत्र से मतदान कराने की पुरानी प्रणाली को फिर से शुरू करने की मांग को खारिज कर दी थी। मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा था कि उम्मीदवार चाहे तो चुनाव परिणाम घोषित होने के 7 दिन के भीतर परिणाम की दोबारा जांच की मांग कर सकता है और ऐसी स्थिति में माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी की जांच इंजीनियर की ओर से ही की जाएगी। अदालत ने इसके साथ ही ये भी साफ कर दिया था कि इस जांच का खर्च उम्मीदवार को उठाना होगा। अदालत ने कहा था कि चुनाव परिणाम में गड़बड़ी साबित होने की स्थिति में उम्मीदवार को सारा खर्च वापस मिल जाएगा। क्वेश्चन रेज किया है, उन्होंने भी किया, उस पर आपका क्या कहना है? What you have to say about that? देखिए उसके बारे में तो आज मैं कुछ नहीं करूंगा, बट आने वाले दिनों में जरूर टिप्पणी करूंगा। लेकिन ये जो मामला है जो महाराष्ट्र से उठा है, जहां 48 वोट से जो जो शिफ्ट जो कैंडिडेट हारे हैं वो ईवीएम से ताल्लुक नहीं रखता, वो जो इलेक्ट्रल बैलेट पेपर के जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है उससे ताल्लुक रखता है, ठीक है ना? तो उसका ईवीएम से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। और वो जो बैलेट सिस्टम अभी उन्होंने कहा है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेट सिस्टम, जिसके द्वारा जो वृद्ध लोग हैं वो 85 साल के ऊपर वो वोट भी कर सकते हैं, तो उससे लगभग हर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में लगभग अगर 1000 वोट या 1500 वोट हो तो समझ लिए 10 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में कोई 10000 वोट हो सकता है, तो उसमें मैनिपुलेशन हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक बैलेट वोटिंग सिस्टम में, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल रहता है। तो वो मामला ईवीएम से अलग है। तो ईवीएम की चर्चा तो मैं आकर करूंगा, मैं बाहर समय हूँ हिंदुस्तान के, आकर करूंगा कि वो तो मतलब कि अलग चर्चा है और उसके बारे में आज के दिन टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जो एफआईआर दायर हुई है वो ईवीएम के संबंध में दायर नहीं हुई। सर, चुनाव आयोग ने ही इसके ऊपर शिकायत करी पुलिस में और उसके बाद ही जो है ये मामला आगे बढ़ा और जो जीते हैं सांसद उनके ही रिश्तेदार के ऊपर पुलिस को पूरी तरीके से नामजद उनको वो कर रही है, उनके फोन से कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन होने की बात पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रही है, उसको वो आगे देख रही है। ये एक टेक्निकल इश्यू जरूर हो सकता है लेकिन पूरे ओवरऑल प्रोसेस के ऊपर एक क्वेश्चन उठ रहा है जिसपे पॉलिटिक्स अब बड़ी सामने आ गई, जहां पर जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने भी कहा, राहुल गांधी ने तो ये तक कहा कि एक ब्लैक बॉक्स बन गया है ईवीएम मशीन। इसके साथ साथ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जो सीईओ हैं जो हैं वो एलन मस्क उस पे कह रहे हैं, और उसके साथ साथ हमारे जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने भी रिप्लाई किया उसके ऊपर, राजीव चंद्रशेखर, उनको उसको आप कैसे देखते हैं पूरी पॉलिटिकल डेवलपमेंट को आफ्टर दैट? जब ऐसा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कह दिया कि वी मस्ट ट्रस्ट आर मशीन्स एंड वी मस्ट ट्रस्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जब सुप्रीम कोर्ट ही उन पे ट्रस्ट करती है तो उसके बारे में मुझे टिप्पणी करने की जरूरत क्या है? क्योंकि अगर हम सरकार पे ही ट्रस्ट करने लगे, मशीनों पे ही ट्रस्ट करने लगे, तो फिर सब मशीन के द्वारा काम होना चाहिए। कोर्ट्स हैं किसके लिए?
अरे कोर्ट्स तो इसीलिए हैं कि अगर सरकार पे ही आपको ट्रस्ट करना है तो आप छोड़ दीजिए, फैसले देने छोड़ दीजिए। तो इसके बारे में मैं ऐसा कैसा कहूंगा, ये बड़ा भारी मुद्दा है, इसके बारे में मैं बाद में टिप्पणी करूंगा। और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का रवैया रहा है पिछले 2014 के बाद, उसके बारे में सभी विपक्षी दलों को गंभीरता से सोचना चाहिए कि क्या संवैधानिक संस्थाएं इस रवैये को अपनाकर क्या हमारे देश में फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो सकता है। तो ये एक बहुत ही अलग मुद्दा है, इसमें ईवीएम की इश्यू भी शामिल है, इसमें इलेक्शन कमीशन के फैसले भी शामिल हैं, इसमें इलेक्शन कमीशन का रवैया भी शामिल है, इसमें इलेक्शन कमीशन किस तरह से शेड्यूल करती है वो भी शामिल है। ये तो बहुत भारी मुद्दा है और विपक्ष को जोर से सेशन में उठाना चाहिए। और मैं तो समझता हूं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, खास तौर पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनके बारे में कमी कहा जाए तो अच्छा है, उनका जो रवैया रहा है वो निष्पक्ष नहीं रहा, और हम इस पे, मैं समझता हूँ विपक्ष इस पे कार्रवाई करेगा और करनी चाहिए। सर आप क्वेश्चन रेज किया है, उन्होंने भी किया, उस पर आपका क्या कहना है, व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? देखिए ऐसा है, देखिए उसके बारे में तो आज मैं कुछ नहीं करूंगा, बट आने वाले दिनों में जरूर टिप्पणी करूंगा। लेकिन ये जो मामला है जो महाराष्ट्र से उठा है, जहां 48 वोट से जो कैंडिडेट हारे हैं, वो ईवीएम से ताल्लुक नहीं रखता, वो जो इलेक्ट्रल बैलेट पेपर के जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है उससे ताल्लुक रखता है, ठीक है ना? तो उसका ईवीएम से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। और वो जो बैलेट सिस्टम अभी उन्होंने कहा है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेट सिस्टम, जिसके द्वारा जो वृद्ध लोग हैं वो 85 साल के ऊपर वो वोट भी कर सकते हैं, तो उससे लगभग हर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में लगभग अगर 1,000 वोट या 1,500 वोट हो तो समझ लिए 10 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में कोई 10,000 वोट हो सकता है, तो उसमें मैनिपुलेशन हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक बैलेट वोटिंग सिस्टम में, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड रहता है। तो वो मामला ईवीएम से अलग है, तो ईवीएम की चर्चा तो मैं आकर करूंगा, मैं बाहर समय हूँ हिंदुस्तान के, आकर करूंगा कि वो तो मतलब कि अलग चर्चा है, और उसके बारे में आज के दिन टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जो एफआईआर दायर हुई है वो ईवीएम के संबंध में दायर नहीं हुई। सर चुनाव आयोग ने ही इसके ऊपर शिकायत करी पुलिस में, और उसके बाद ही जो है ये मामला आगे बढ़ा, और जो जो जीते हैं सांसद उनके ही रिश्तेदार के ऊपर पुलिस को पूरी तरीके से नामजद उनको वो कर रही है, उनके फोन से कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन होने की बात पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रही है, उसको वो आगे देख रही है। ये एक टेक्निकल इश्यू जरूर हो सकता है, लेकिन पूरे ओवरऑल प्रोसेस के ऊपर एक क्वेश्चन उठ रहा है जिसमें पॉलिटिक्स अब बड़ी सामने आ गई, जहां पर जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने भी कहा, राहुल गांधी ने तो ये तक कहा कि एक ब्लैक बॉक्स बन गया है ईवीएम मशीन। इसके साथ साथ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जो सीईओ हैं जो हैं वो एलन मस्क उस पे कह रहे हैं, और उसके साथ साथ हमारे जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने भी रिप्लाई किया उसके ऊपर, राजीव चंद्रशेखर, उनको उसको आप कैसे देखते हैं पूरी पॉलिटिकल डेवलपमेंट को आफ्टर दैट? जब ऐसा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कह दिया कि वी मस्ट ट्रस्ट आवर मशीन्स एंड वी मस्ट ट्रस्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जब सुप्रीम कोर्ट ही उन पे ट्रस्ट करती है तो उसके बारे में मुझे टिप्पणी करने की जरूरत क्या है? क्योंकि अगर हम सरकार पे ही ट्रस्ट करने लगे, मशीनों पे ही ट्रस्ट करने लगे, तो फिर सब सब मशीन के द्वारा काम होना चाहिए, और कोर्ट्स हैं किसके लिए? अरे कोर्ट्स तो इसीलिए हैं कि अगर सरकार पे ही आपको ट्रस्ट करना है तो आप छोड़ दीजिए, फैसले देने छोड़ दीजिए। तो इसके बारे में मैं ऐसा कैसा कहूंगा, ये बड़ा भारी मुद्दा है, इसके बारे में मैं बाद में टिप्पणी करूंगा। और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का रवैया रहा है पिछले 2014 के बाद, उसके बारे में सभी विपक्षी दलों को गंभीरता से सोचना चाहिए कि क्या संवैधानिक संस्थाएं इस रवैये को अपनाकर क्या हमारे देश में फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो सकता है। तो ये एक बहुत ही अलग मुद्दा है, इसमें ईवीएम की इश्यू भी शामिल है, इसमें इलेक्शन कमीशन के फैसले भी शामिल हैं, इसमें इलेक्शन कमीशन का रवैया भी शामिल है,
इससे इलेक्शन कमीशन किस तरह से शेड्यूल करती है वो भी शामिल है। ये तो बहुत भारी मुद्दा है और विपक्ष को जोर से सेशन में उठाना चाहिए। और मैं तो समझता हूं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, खास तौर पे जो चीफ इलेक्शन कमीशनर है, उनके बारे में कमी कहा जाए तो अच्छा है। उनका जो रवैया रहा है वो निष्पक्ष नहीं रहा और हम इस पे, मैं समझता हूँ, विपक्ष इस पे कार्रवाई करेगा और करनी चाहिए। सर आप और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।